कुछ तस्वीरें कल पंजाब के अजनाला से आई, अमृतसर से, जिसको लेकर के तमाम चर्चा हो रही। वहां पर नजर आता है कि हथियार लिए, तलवारें लिए, ऑटोमेटिक बंदूकें लिए तमाम लोग अजनाला पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। उनको लीड कर रहा था अमृतपाल सिंह और वो मांग कर रहा था कि उसका एक सहयोगी तूफान जो गिरफ्तार है उसको छोड़ दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मामले पर पंजाब की आईपीएस अधिकारी हरपाल सिंह रंधावा साहब हैं। ये उस वक्त अजनाला पुलिस स्टेशन पर मौजूद थे। हरपाल साहब, आपके पुलिस स्टेशन पर 400 से 500 से ज्यादा पुलिस फोर्स मौजूद होती है, आप खुद स्पॉट पर होते हैं, तो कैसे इतने लोगों को आपने कानून हाथ में लेने दिया? ऐसा था जी, मैं आपको बताता हूं कि हम ड्यूटी पे तैनात थे। मेरी जो ड्यूटी थी वो अजनाला की जो तरफ से कस्बे की तरफ से, वहां जैसे कुछ आदमी जो इसके जथे में शामिल होने वाले थे वो रुके थे, उनको हमारे एसएसपी साहब जो एसएसपी अमृतसर देहाती हैं वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं इनको, उनको जाना चाहते हैं, मिलना चाहते जाने दो, तो वो उनको साथ लेकर इनके जथे में उनको भेजा, उनको शामिल करवाया। ऐसा था कि मैसेज ये था कि अमृतपाल जी इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल होने के लिए खुद पुलिस स्टेशन अजनाला में आ रहे हैं, तो जैसे पता चला कि जे वो उसके साथ कुछ साथी हैं, तो जैसे जे आए, जब नजदीक आए तो वहां इनकी गाड़ी के आगे श्री गुरु ग्रंथ साहब से जी, जैसे पता चला कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गाड़ी है, एसएसपी साहब हमारे ने सिर पे जो जितने जवान उन्होंने अपने सिर पर रुमाल बांध लिए, तो हमने उनको बोला कि जे गाड़ी ऐसे आए कि आप अमृतपाल जी को भेज। इन लोगों ने जबरदस्ती, क्योंकि गुरु साहब जी का हम बहुत सत्कार करते हैं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम भी सिख धर्म में हैं, हमारे परदादा जी के जो भाई थे शहीद भाई लक्ष्मण सिंह जी जो ननकाना साहब में शहीद हुए थे, वो मेरे परदादा जी के दादा जो उधम सिंह थे उनके भाई थे। जब उन्होंने ननकाना में शहीदी, उसके बाद एससीपीसी होंद में आई, हम बहुत, हमारी पुलिस ने इतना सत्कार किया गुरु साहब जी का, मुलाजमो ने हमारे पास बहुत था, हमारे पास वाजरा गाड़ी थी, वाटर कैनन थी, और थे, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, गुरु साहब का सत्कार किया। लेकिन इन लोगों ने जो हमें आस नहीं थी, उसके बाद इन लोगों ने जो मुलाजिम उनको कुर्बानों से जो उन पे वार किया, उनको जख्मी कर दिया। हमारा तो ये, मैं उस समय मेरे पास को प्रेस वाला आया, मैंने उस समय, वैसे तो सीनियर ऑफिसर देते हैं, लेकिन उस समय इतना ही मैंने बोला कि मान लो मेरे केस रजिस्टर होता है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जाता हूँ, जिसका तो यह है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करवाए, कोई मेरे गलत केस है तो मैं इसकी पड़ताल करवाऊ, ये एक ऑफिसर नहीं मानता, तो डीजीपी साहब बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नर साहब है, उनको एप्लीकेशन दो, सीट बनवा लो, जिस इस डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए। लेकिन ऐसा है कि पुलिस स्टेशन में श्री गुरु ग्रंथ साहब की गाड़ी जबरदस्ती घुसा दी, जिसका मुझे दुख लगा, और मैंने वो जो मेरी सिख बामनी थी, जो मेरे सिख होते हुए जो मैंने महसूस किया, उसका मैंने वहां बोल दिया, वहां उसने किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली, तो बाद में उसको आई। लेकिन हमें, मैं सलूट करता हूँ पंजाब पुलिस के जवानों को, जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इतना सत्कार किया। मैं एक हिंदू जेंटलमैन था जिसकी गल पे कृपान लगी, हमारा जवान था, मैंने उसको पकड़ा, उसका मैं गल साफ किया और मेरे आंसू बह गए कि देखो एक हिंदू होते हुए उन्हें हमारे गुरु साहब का कितना सत्कार किया। रंधावा साहब, आपकी बात सुनी हमने, आपने कहा कि पुलिस ने वहां पर, आप अधिकारी थे, मौके पर थे, आपने क्योंकि अमृतपाल वो गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर के आ गया, और क्या एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज्ड तरीके से, क्या धर्म की आड़ में आप लोग जो ऑफिसर्स हैं वहां पर वो कानून को हाथ में लेने देंगे इन लोगों के, आपके आपके पुलिस वालों पर, आपकी फोर्स पर अटैक कर दिया उन्होंने, कृपाण से लाठी डंडे चलाए, आपके पुलिस वाले जख्मी हो गए, और उसी धर्म की आड़ में, और जो तस्वीरें आज जा रही हैं देश भर में उसमें सवाल उठ रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने इनको अलाउ किया, वो लोग धर्म का सहारा लेकर के कानून हाथ में लेते रहे।
ऐसा था जी, देखो देखो उस समय जे हालात थे, जे उस समय हम भी कुछ हमारे जवान भी करते कोई ऐसा करते, तो इसमें बोला ना कि गुरु साहब की बेदबी, इसका पंजाब का आप सुनते नहीं, पंजाब में इस बात से बहुत इशू उठ जाते। देखो हमने बहुत सियानम से हमारे SSP साहब, हमारे सीनियर ऑफिसर ने बड़े ठंडे दिमाग से इस सिचुएशन को पेट्रोल किया और उसके बाद इस सिचुएशन से बाहर निकले। देखो आज समाज देख रहा है, कौन कर रहा है, हर आदमी आप भी देख रहे हैं, आप महसूस करते हैं, पूरी दुनिया महसूस करती है। पंजाब पुलिस का गौरवमय इतिहास है, पंजाब पुलिस ने वो फोर्स है जिसने पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया है। ये देखो उस समय के हालात के मुताबिक जो पुलिस को करना चाहिए था, चोट लग गई ठीक हो जाएगी कोई बात नहीं, हमने तो अपने गुरु साहब के लिए शीश कटवाए हैं, ये तो कुछ भी बात नहीं, कोई गल पे चोट लगी टांग पे लगी कोई बात नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन से जेकर हमारे गुरु साहब की इसमें कोई आदमी बेदबी कर देता या कुछ हो जाता, तो उसका इल्जाम जो हमारी पंजाब पुलिस पे लगता वो हमारे से ज्यादा नहीं जाता। इसके तो आप कह लिए रहे हैं कि, ब्लॉक मामला और किया, गड़बड़ हो देखो जाता बहुत है। बढ़िया हमारी फोर्स ने किया वो, उन्होंने किया, उसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर बात कर रहे हैं, उसका चल रहा है। रनावत साहब ये बताइए कि इस पूरे केस में जो आप वहां पर कल मौजूद थे मौके पर, आप लोग वहां पर पहले से आपको पता था कि ये लोग इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, सर आप तो अधिकारी हैं, इतने सीनियर अधिकारी, आपको पता है कि CID रिपोर्ट होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि अगर एक आदमी आ रहा है वहां पर हजारों सैकड़ों के पोस्ट लेकर के, तो वो ये हथकंडे अपना सकता है। आपको लगता नहीं कि कल कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ वो एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि आप तैयार नहीं थे कि गुरुग्रंथ साहब को आगे लेकर के आ जाएगा और आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर बेअदबी हो जाती है तो पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, तो एक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं आप लोगों की तरफ से? नहीं ऐसा था जी, देख बात है हमारे जो हम जो अमृतधारी सिंह है जो डेली हमारे कई जगहों को अमृत छका रहा है, डेली अमृत पान करा गया लोगों को सिख धर्म मिला, तो इन्होंने पहले इंटरव्यू दे दिया था कि हम जहां पुलिस रोकेगी हम रुक जाएंगे, तो हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। तो हमने उसको अमृतधारी सिंह के विश्वास किया, अमृतपाल के जो उसने बोला उसका, जो आपके फेसबुक में आपने देखा होगा कई जगह होगा इंटरव्यू है कि मैं जहां पुलिस रोकेगी मैं वहां रुक जाऊंगा, और मैंने तो हमने तो अमरधारी सिंह था विश्वास किया कि जे ऐसा नहीं हो सकता, जो बोल रहा है जे ही बात करेगा। लेकिन जो सिचुएशन थी वो आपने देख ली, अमृतपाल जी पीछे गाड़ी में आते हैं, मर्सरी गाड़ी में पीछे से आते हैं, जब पास आ जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब से बड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये इस समय जो बैठ जाते। उसके बाद तो देखो ना जो समय का कुछ टाइम था, थोड़ा समय था, उस समय जो बेस्ट डिसीजन लिया जैसा वो लिया, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हमारे गुरु साहब से अमृतपाल सेकंड था आदमी, बात है पहले हमारे लिए हमारा गुरु है, हमने अपने गुरु का सत्कार को बहाल रखा, हम उन जवानों को सलूट करते हैं जिन्होंने गुरु साहब के ठीक सत्कार है के लिए अपने पे चोट उठाई। सर। अब ये बताइए कि आप ये आपने देखा, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि वहां पर ऑटोमेटिक वेपन लेकर के, तलवारें लेकर के पुलिस फोर्स पर ये लोग हमला करते हैं। अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पंजाब में एक बार फिर से प्रो खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो गया है क्या, क्योंकि अमृतपाल के पहले बयान आते रहे कि खालिस्तान मूवमेंट खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कल जो तस्वीरें आई हैं आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपकी पुलिस फोर्स ने, बेअदबी हो जाती वहां पर मामला और बिगड़ सकता था, जो बेस्ट आप लोगों ने किया, लेकिन अब इस पूरी घटना के बाद फिर से एक बार सुगबुकाहट होने लग गई कि पंजाब में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो गया और पुलिस इन लोगों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, लो ये नहीं है, कुछ हालात एक ने कुछ हालात होते हैं उसको समय को देखो, पंजाब पुलिस एक किसी को भी आतंकवाद किसी को सिर नहीं उठाने देंगे। मेरी जो फेसबुक के जो इंटरव्यू लोगों ने डाली थी उसके बहुत क्रिटिकल दार में बहुत लोगों के मुझे फोन आए कि आपने जो सच बोला है ये है कि देखो हमारा पंजाब के लोग जो जो इनका जो भाईचारा है जो कोई तोड़ नहीं सकता, और ये देखो इतिहास है, पंजाब में आतंकवाद सिर नहीं उठा सकता, हम हमारे गुरुओं को लेके, हमारे गुरु ने तो शीश दिया है दिल्ली में जाकर, और हमारा हिंदू सिख को एकता को कौन तोड़ सकता, जहां आतंकवाद सिर नहीं उठा सकता कोई आदमी, कोई शरारत कर सकता है
जो शरारत करता है वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज होता है, जेल उन लोगों ने शरारत किया है उसका भी आगे जाके डिसीजन हो जाएगा। तो क्या आप कल जितने लोगों ने पुलिस पर हमला किया अमृतपाल सिंह पर, आप लोग कोई केस रजिस्टर करके इंक्वायरी करेंगे? क्योंकि इनको भी एक संदेश देना जरूरी है, नहीं तो कल को आज अमृतपाल है, कल को कोई और होगा, उसके बाद अमृतपाल दूसरी जगह जाके ऐसे करेगा, तब तक धर्म की आड़ में ये लोग बचते रहेंगे। क्या आप लोग एक सख्त एक्शन लेंगे इन लोगों के अगेंस्ट जो जिन्होंने कल ये किया, पंजाब पुलिस के साथ कानून हाथ में लिया? जी, हमारे सीनियर ऑफिसर जहाँ हमारे एडीजीपी साहब, एसएसपी साहब सीनियर ऑफिसर हैं, वो साहब इसको जैसा आप सोचते हैं हम भी सोचते हैं, पूरा पंजाब सोचता है, तो वो ही होगा जो कानून कहता है। जो कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून का राज पंजाब में चलेगा, और हमारी ड्यूटी है हमारा सीज चला जाए, हम कानून का राज पंजाब में लागू करके रहेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, आज एनडीटीवी के माध्यम से आपको देश में विदेश में लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे पंजाब पुलिस की तरफ से कि लोगों में, आप देखेंगे ट्विटर पर फेसबुक पर ये चर्चा होने लग गई कि पंजाब में तो कानून व्यवस्था खराब हो गई है, खालिस्तानी मूवमेंट फिर से शुरू हो गया, पंजाब के लिए एक गलत छवि भी, गलत इमेज ही पोर्ट्रे होने लगी है, तो आप एक पुलिस ऑफिसर की तरह क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो कल हुआ उसके बाद क्या दोबारा ऐसे नहीं होगा, दोबारा कोई ऐसा एक शरारती आदमी झूठ बोल करके पुलिस पर हमला नहीं करेगा, ये वीडियो वायरल नहीं होंगे, पंजाब की छवि को लेकर एक पुलिस ऑफिसर के लोग लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? देखिए जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये जरा हमारा देश है, ये एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे धर्म है, और हमारी जो पंजाब पुलिस की जो ड्यूटी मिलती है ना, ये बहुत कर्मों वालों को मिलती है, जो जो लॉ एंड ऑर्डर को लागू करना, और हम खुशकिस्मत हैं और हम हमारा कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। हमारे जो दुख है, मुझे मैंने बात की थी कि जेकर हमारे लोग ही अपने ऐसे हालात खराब करेंगे तो कौन इन्वेस्टमेंट पंजाब में करेगा? इसके लिए हमारे हर हाल पंजाब में किसी को भी शरारती को सिर नहीं उठाने देंगे, हम पंजाब में और पूरे इंडिया को विश्वास देते हैं कि हमारे जवान जो पंजाब के हैं, जे पंजाब में किसी को गलत आंसर को सिर उठाने नहीं देंगे, हम पूरे इंडिया से, पूरे पंजाब से प्रॉमिस करते हैं, पंजाब पुलिस की तरफ से, हमारे पंजाब पुलिस के कप्तान हैं बहुत मेहनती श्री गौरव जाल जी, जो दिन रात लगे हुए हैं पंजाब को, जे है कुछ समा जे है ना, जो ऐसे हालात हैं वो आप समझते नहीं, जो बरगाड़ी कांड भी हुआ था, जेकर जहां पे हमारी पुलिस एक्शन करती कोई नुकसान हो जाता ना तो उसका इशू होता। अब तो देखो ना, आप भी महसूस करते हैं, हर आदमी महसूस करता है कि अमृतपाल ने गलत किया है, और जे बात वो खुद भी फील करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा, नहीं तो हमारे गुरु साहब जो कन कन में बसे हुए हैं वो ही एहसास करवा देगी हर आदमी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सब हमसे बात करने के लिए।